बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में एन केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेशी खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े बड़े नेचुरल सोर्सेज, कुदरती ज़राए कौन से हैं, इन्हें किन अशिया से इन्हें मेनली हासिल किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी लिविंग थिंग में पाए जाते हैं और बहुत सारे वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मुख्तलिफ अशिया से हासिल होते हैं। मसलन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो फूड आइटम्स हैं उनमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। प्लांट्स जो हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मसलन प्लांट्स का जो स्टेम होता है उससे, मुख्तलिफ प्लांट्स का के जो स्टेम हैं उनसे हमें ऑयल हासिल होते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स के बकिया हिस्से हैं उनसे हमें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन अल्कलाइड्स वगैरह मिलते हैं। इसी तरह और बेशुमार ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है। अलबत्ता हम यहाँ पर जो इनके सबसे बड़े तीन सोर्सेज हैं उन्हें तफसील में डिस्कस करेंगे। और वो तीन जो बिगेस्ट सोर्सेज हैं, सबसे बड़े सोर्सेज हैं, उनमें शामिल हैं कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो इन्हें हम यहाँ पर बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल, जिसे हम उर्दू में कोयला कहते हैं, इसे जब ज़मीन से निकाला जाता है, पहाड़ों के अंदर इसकी कानें होती हैं, वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसे जब निकाला जाता है तो उस वक्त ये बहुत सारी अशिया का मिक्सचर होता है। ख़्याल किया जाता है कि इसके अंदर 210 के करीब मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, आगे चलकर हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करेंगे कि कोल जो ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर कानों में पाया जाता है, वो वहाँ कुदरती तौर पर बनता कैसे है। तो कोल के बनने के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जो मौजूदा कोल है ये आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो दरख्त और पौधे थे वो जब गल सड़ गए तो उनकी जो बाकियात थी, उनके जो रिमेन्स थे, उन पर बैक्टीरियस के और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो रिमेन्स थी, बाकियात थी, वो मौजूदा कोल में तब्दील हुई। आज से लाखों करोड़ों साल पहले मुख्तलिफ प्लांट्स और ट्रीज जब कुदरती तौर पर या किसी और वजह से डेड हो जाते थे तो वक्त के साथ साथ उन पर मिट्टी वगैरह की बहुत बड़ी बड़ी तहें जमती गईं और इसके साथ साथ जो ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज हैं उनकी मौजूदगी में और हवा और पानी की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस हुए और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो लकड़ी और बाकी इस तरह का मैटर था वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से होता हुआ कोल में चेंज हुआ। अब इस हवाले से जो स्टेजेस बताई जाती हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर किन किन स्टेजेस से, किन किन मराइल से गुज़रा,
उसके बारे में ये कहा जाता है कि डेड प्लांट सबसे पहले बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस की वजह से एक सॉफ्ट ब्राउन रंग के मैटर में चेंज हुए। उस सॉफ्ट ब्राउन कलर के मैटर को पीट कहा जाता है। फिर जो पीट था ये मज़ीद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में लिग्नाइट में चेंज हुआ। फिर जो लिग्नाइट है वो अपनी अगली स्टेज में एंथ्रासाइट में तब्दील हुआ और एंथ्रासाइट फिर फाइनली कोल में तब्दील हुआ। तो ये स्टेजेस हैं कोल के बनने की। डेड प्लांट्स और ट्रीज पीट में चेंज हुए, पीट लिग्नाइट में चेंज हुआ, लिग्नाइट एंथ्रासाइट में चेंज हुआ और एंथ्रासाइट कोल में चेंज हुआ। कोल को जब ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त ये बहुत सारी अशिया का मिक्सचर होता है, इसको निकालने के बाद जो पहला मरला है वो इसकी रिफाइनिंग होती है। इसमें से मुख्तलिफ मुफीद अशिया को अलग-अलग किया जाता है। इस मकसद के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस मकसद के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान किसी मिक्सचर को, किसी सब्सटेंस को, किसी शय को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हवा की गैर मौजूदगी में किसी शय को हाई टेम्परेचर पर हीट करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। तो जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इससे ये तीन फ्रैक्शंस में तकसीम हो जाता है। फ्रैक्शन से क्या मुराद है? मैंने कहा तीन फ्रैक्शंस में तकसीम होता है। फ्रैक्शन से मुराद दरअसल मुख्तलिफ अशिया का मिक्सचर है। तो मतलब ये जो कोल है जो पहले एक ही मिक्सचर था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये तीन मिक्सचर्स में, तीन फ्रैक्शंस में तकसीम होता है। उन फ्रैक्शंस के नाम हैं कोक, कोल तार और कोल गैस। इनमें से जो कोल तार है ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरपूर हैं और जब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, तो इससे हमें बहुत सारे मुफीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। अब हम बारी बारी इन फ्रैक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे कि हर फ्रैक्शन में कौन सी चीज़ पाई जाती है और उसका यूज़ क्या है। तो पहली फ्रैक्शन है कोल गैस। कोल गैस दरअसल मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। उनमें शामिल हैं हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस को जब हवा में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो हीट पैदा होती है। इस वजह से कोल गैस को इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ अशिया की जो प्रोडक्शन है, तैयारी है, उसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस को करवाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो कोल गैस को उन इंडस्ट्रीज़ में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेटलर्जी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए बाज़कात एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसमें हवा वगैरह का अमल दखल ना हो। उस एनवायरनमेंट को इनर्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एक इनर्ट एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी कोल गैस को यूज़ करते हैं। फिर एक और फ्रैक्शन है अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड दरअसल अमोनिया का पानी में सॉल्यूशन है, यानी ये दरअसल अमोनिया और पानी का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, और इसको यूज़ किया जाते हैं आमतौर पर मुख्तलिफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। मसलन इसे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये अमोनियम सल्फेट बनाता है जो कि एक
फर्टिलाइजर हैं। उसके बाद एक और फ्रैक्शन आ जाती है कोल तार, उसे पहले कोक को पढ़ लेते हैं। कोक जो है इसमें मेनली कार्बन पाया जाता है, इसमें 98% कार्बन है। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन की जाती है तो सबसे आखिर में जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ बाकी रह जाती है वो कोक होती है। कोक जो है इसको मेटलर्जी के अंदर मुख्तलिफ रिडक्शन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, मेटल्स के ऑक्साइड्स को मेटल्स में रिड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आम तौर पर कोयला कहते हैं। वो कोयला दरअसल ये कोक होता है। मतलब अगर हम वसी मानों में देखें तो कोल या कोयले से मुराद बहुत सारी अशिया का मिक्सचर है, लेकिन जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं घरों में और फैक्ट्रियों में फ्यूल के लिए, सर्दियों में हमने कमरों को गर्म करना है या हमने कोई बारबेक्यू बनाने हैं, तो उस वक्त जो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं वसी मानों में, दरअसल उसका नाम क्या है, उसका नाम कोल है, तो सॉरी कोक है। तो कोक को एक तो मेटलर्जी में मेटेलिक ऑक्साइड्स को मेटल्स में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा घरों में और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली फ्रैक्शन आ जाती है कोल तार। कोल तार सबसे अहम फ्रैक्शन है कोल की। कोल तार क्या है, ये एक बहुत ही गाढ़ा किस्म का ब्लैक कलर का लिक्विड है, और ये 200 से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। उसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हैं। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। कोलतार को जब अलहदा किया जाता है तो इसको एज सच इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। आगे इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये होता है कि इसमें मौजूद मुख्तलिफ जो लिक्विड्स हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर अलहदा अलहदा हो जाते हैं। वो जो लिक्विड अलहदा अलहदा हो जाते हैं वो आगे प्रीकर्सर स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं दूसरे बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, और इसके अलावा इन्हें डायरेक्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें शामिल हैं बेंजीन, फिनोल, टोलीन, एनिलीन, ज़ाइलीन वगैरह। इनके यूज़ क्या हैं, इन्हें बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसन बनाने में, डाइस बनाने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल, पेंट्स, वर्निशेस, प्लास्टिक्स बनाने में, और जैसा कि मैंने कहा कि इसके अलावा इन्हें दूसरे बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोल की अहम फ्रैक्शंस और उनके यूजेज़ हैं। ये अलहदा से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, कोई एक फ्रैक्शन देख करके उसके यूजेस बताएं। इसके बाद कोल की टाइप्स आ जाती हैं। कोल जब ज़मीन से निकाला जाता है तो मुख्तलिफ इलाकों से जो कोल निकलता है वो क्वालिटी के लिहाज से मुख्तलिफ अकसाम का होता है। तो कोल को उसमें मौजूद कार्बन की जो मकदार है उसके लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है, और इस लिहाज से कोल की चार मेजर टाइप्स हैं। वो चार टाइप्स हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट जो है इसमें 60% कार्बन है, और ये कोल की सबसे घटिया क्वालिटी है, और इसको मोस्टली मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर जो भट्टियाँ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बर्न किया जाता है, तो वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। लिग्नाइट में 70% कार्बन है, इसको जो बिजली पैदा करने के कारखाने हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बिटुमिनस कोल में 80% कार्बन है,
और इसको जो आम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला कोयला है उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन है। ये कोल की सबसे उम्दा क्वालिटी है और इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा सोर्स आ जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में भी यही ख्याल किया जाता है कि ये समुद्री जानवरों और पौधों की जो बाकियात हैं वो जब गल सड़ गई और उन पर बैक्टीरियाज वगैरह के एक्शन हुए तो उससे ये बनी। नेचुरल गैस जो है ये ज़मीन के अंदर भी पाई जाती है और इसके अलावा ये जो समुंदर है उसके अंदर भी पाई जाती है। मसलन अमेरिका में जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है उसके ज़्यादा जो ज़राए हैं वो समुंदर के अंदर हैं। उसको मरीन शेल के नाम से जाना जाता है। और जो अरब ममालिक हैं उनमें जो ज़्यादा ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ज़मीन से इसको निकालने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसके लिए टर्म यूज़ होती है वेल के, ऑयल वेल होते हैं तो वहाँ से इन्हें निकाला जाता है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस कुछ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। उसमें तकरीबन 80% मीथेन गैस है और मीथेन के अलावा कुछ दूसरे हाइड्रोकार्बन मसलन ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैसेस भी पाई जाती हैं। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको डायरेक्ट यूज़ किया जाता है घरों में और जो छोटी सनतें हैं उनमें फ्यूल के तौर पर। घरों में जो हम कुकिंग पर्पज़ के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्ट गैस की सप्लाई हमें आ रही होती है जिसे हम सुई गैस कहते हैं तो वो दरअसल ये नेचुरल गैस होती है। इसके बाद सबसे बड़ा जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज का मजमूआ है। पेट्रो कहते हैं रॉक्स को, चट्टानों को, और ओलियम कहते हैं ऑयल को। तो पेट्रोलियम का लफ्ज़ी मतलब हुआ रॉक ऑयल। इसे रॉक ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान मौजूद होता है, उनके दरमियान एंट्रैप होता है। तो इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। पेट्रोलियम को जब ज़मीन से बड़े बड़े वेल्स ड्रिल करके निकाला जाता है तो उस वक्त इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लैक होता है और इसकी विस्कासिटी बहुत ज़्यादा होती है यानी बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होता है। पेट्रोलियम बेसिकली बेशुमार अशिया का मिक्सचर होता है। उन अशिया में गैसेस भी शामिल हैं, लिक्विड्स भी शामिल हैं और सॉलिड्स भी शामिल हैं। पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम भी कोल और नेचुरल गैस की तरह एक फॉसिल फ्यूल है और ये जो जानदार मुख्तलिफ जानदार जब डेड हो जाते हैं, पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उसके बाद हज़ारों लाखों साल के अरसे में जब वो गलते सड़ते हैं और उन पर बैक्टीरिया का एक्शन होता है और हवा और पानी की वजह से की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में ये पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम जैसा कि मैंने कहा बेशुमार अशिया का मिक्सचर है तो इसको निकालने के बाद डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसको निकालने के बाद इसको ख़ास किस्म की ख़ास किस्म के यूनिट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां पर इसे भेजा जाता है। उन यूनिट्स को ऑयल रिफाइनरीज कहते हैं। ऑयल रिफाइनरीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उस ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो पेट्रोलियम में से मुख्तलिफ मुफीद अशिया हैं उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से अलहदा अलहदा किया जाता है और आगे फिर इनकी ग्रेडिंग भी की जाती है, प्रोसेसिंग भी की जाती है और आगे इनसे दूसरी अशिया भी बनाई जाती हैं। ऑयल रिफाइनरीज के अंदर पेट्रोलियम में से मुख्तलिफ अशिया को अलहदा करने के लिए जो मेन प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाते हैं। आम अल्फाज में इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो रिफाइनिंग है। आम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होनी है। केमिस्ट्री की ज़ुबान में या टेक्निकल ज़ुबान में हम कहते हैं कि इस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होनी है। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो ये मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। कोल के टॉपिक में मैं बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन से मुराद मुख्तलिफ अशिया का मिक्सचर है। तो ये जो पेट्रोलियम जो पहले एक सिंगल मिक्सचर था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये कई मिक्सचर्स में, कई फ्रैक्शंस में तकसीम हो जाता है। हर फ्रैक्शन जो है उसके अपने यूजेस हैं, और या फिर उसकी मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उससे आगे मज़ीद छोटी फ्रैक्शंस या अलहदा अलहदा कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। आप जो लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, उसमें इन मुख्तलिफ फ्रैक्शंस की तफसील पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को नाम दिए गए हैं, हर फ्रैक्शन में मुख्तलिफ कंपाउंड शामिल हैं और हर एक के मुख्तलिफ यूजेस हैं। तो आप इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में इस चीज़ को तफसीलन पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं, हमने इसका जिक्र किया है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान हम किसी मिक्सचर में से मुख्तलिफ अशिया को अलहदा अलहदा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फ़र्क की बुनियाद पर। अगर हमारे पास मुख्तलिफ लिक्विड्स और सॉलिड्स और गैसेस का मिक्सचर हो और हम उस मिक्सचर को हीट करते जाएं और मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर अलग अलग होती जाएं, तो ये जो प्रोसेस होगा इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाएगा। तो पेट्रोलियम के लिए ये मेन प्रोसेस होता है ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तीसरा और सबसे बड़ा सोर्स। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तीन मेजर सोर्सेज को यहाँ तफसीलन डिस्कस किया है। इसके अलावा जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो आप अपनी बुक में से इस टॉपिक को खोलें तो वहाँ से आप उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल दोबारा पेश खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।